वृंदावन पुलिस ने बीती रात परिक्रमा मार्ग से चेकिंग के दौरान एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से कुछ बर्तन किताबें भी बरामद की हैं। पुलिस ने विदेशी युवक पर कार्रवाई कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। बताया गया कि लोकल अधिसूचना इकाई द्वारा बीती रात परिक्रमा मार्ग स्थित जगन्नाथ मंदिर के समीप चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच एक विदेशी नागरिक को आते देख उसे रोका गया। पूछताछ पर विदेशी युवक ने अपना नाम जोरेन जोलिस पुत्र फ्रेंजो जोलिस लेनेस्ट क्रोएशिया का रहने वाला बताया। पुलिस के अनुसार विदेशी युवक विद्यार्थी वीजा पर भारत आया था, जिसका 9 मई 2018 को वीजा समाप्त हो गया, जो अवैध रूप से वहां रह रहा था। विदेशी युवक के अनुसार कुछ दिनों पूर्व उसने अपने दस्तावेज और पासपोर्ट भी यमुना नदी में फेंक दिए थे। पुलिस ने जामा तलाशी में युवक के कब्जे से बर्तन और धार्मिक पुस्तकें बरामद की हैं। पुलिस ने धारा 14 विदेशी अधिनियम के तहत चालान कर युवक को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।